हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये जो वीडियो है ये देखिएगा, बीएससी मैथमेटिक्स का वीडियो है, सेमेस्टर एक, यूनिट नंबर 7 हमारा चल रहा था, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। तो इसमें मैंने एक थ्योरम आपको कराई थी, मैकलॉरिन्स थ्योरम। एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू जितने भी मेरे भाई बहन हैं, वो इस थ्योरम को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में आज मैं आपको कला रहा हूं टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ये मैकलॉरिन्स थ्योरम है। मैकलॉरिन्स थ्योरम का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है टेलर्स थ्योरम, बिल्कुल सेम इसी जैसी है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इससे एक वीडियो पहले चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। और रेगुलर स्टूडेंट देखने वाले होंगे तो उनको सब मजा ही आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आज हम आपको कराने वाले हैं टेलर्स थ्योरम, ठीक है। चलिए, ये देखिएगा, ये है आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस थ्योरम को डाल लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखिए, ये है आपकी टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट पहले पढ़ो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट ये कहता है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स विच कैन बी एक्सपेंडेड एज पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए। यानी कि ये जो एफ एक्स जो दे रखा है वो एक्स का तो फंक्शन है, लेकिन ये जो किस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए के रूप में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इस तरीके का ये आपको दे रखा है। लाइक देखिएगा, ये जैसे ए जीरो कोई भी कांस्टेंट है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए की घात 3, एक्स माइनस ए की घात 4, एक्स माइनस ए की घात 5, इस तरह से ये दे रखा है। यानी कि पावर सीरीज में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही एन तक दे रखा है, यानी कि एक सीरीज बनी हुई है इस तरीके की। तुमने बहुत सारे फंक्शन आपने देखे होंगे इस तरीके का, मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा एफ एक्स बराबर इस तरीके के आपने देखे होंगे, जैसे 5 एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस ए की घात 3 प्लस 7 एक्स माइनस ए की घात 5, इस तरीके ये सीरीज बनी है, 2, 3 यहाँ पर 4 आ गया, तो ये एक सीरीज बन गई। और ये x माइनस a के रूप में हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया इस वाले फंक्शन को। तो इस तरीके का कोई भी आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, बात समझ में आ गई आपको। चलिए ठीक है, तब पुराने जैसा ही है ना, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स एक्स का कोई फंक्शन है विच कैन बी एक्सपेंडेड एज द पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए, जिसको हम एक्स माइनस ए के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, जहां पर ए क्या है, कॉन्स्टेंट है। इफ द एक्सपेंशन, ये जो आपका एक्सपेंशन जो दे रखा है ये डिफरेंसिबल है टर्म बाई टर्म, ये एक्सपेंशन आपका क्या है, डिफरेंसिबल है टर्म बाई टर्म एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि किसी भी नंबर टाइम डिफरेंसिबल है, एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे हम करते हैं एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, तीन बार अवकलन, इस तरीके से कितने भी नंबर्स टाइम ये क्या है, डिफरेंसिबल है। तब ये थ्योरम कहती है कि भैया एफ एक्स बराबर क्या होता है, ये एफ एक्स बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड टेलर थ्योरम, ठीक है। तो आप इतना भी लिख सकते हो, आप सीधे सीधे, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स विच कैन एक्सपेंडेड एज द पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए वेयर ए इज कॉन्स्टेंट, देन By the Taylor theorem, fx बराबर this। तो ये है आपकी Taylor theorem। Exactly Taylor theorem क्या है, ये है। अब इसी चीज को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या है Taylor theorem? Taylor theorem कहती है कि fx बराबर होगा f a x माइनस ए एफ डैश ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ए, एक्स माइनस ए की घात 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ए, यहाँ पर ट्रिपल डैश आएगा। इसी तरीके से ये n आ गया, ये आपका n आ गया, तो यहाँ पर n टाइम अवकलन कर दिया, ठीक है। अब इसका देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम, तो मान लिया सपोज एफ एक्स, सपोज अरे क्या आ रहा है,
पेन नहीं चल रहा, चले चल गया। सपोज एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स एक्स का कोई फंक्शन है, किस तरह से दे रखा है, एफ एक्स बराबर ए ए जीरो, ए वन एक्स माइनस वन, ए टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ए थ्री एक्स माइनस ए की घात तीन, इस रूप में आपका दे रखा है। जहां पर ये जो ए जीरो ए वन ए टू ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। देन हमने कर क्या, इसको समीकरण एक मान लिया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार इसका अवकलन कर देंगे, इसका मैंने एक बार अवकलन करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट का अवकलन कितना हो जाता है, जीरो। फिर प्लस ये ए वन, क्योंकि एक्स माइनस ए हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स का अवकलन वन हो जाएगा, सीधे यहाँ पर कितना बचेगा, ए वन आ जाएगा। फिर प्लस इसका करेंगे तो दो घात आगे आ जाएगी, यानी कि टू ए टू हो जाएगा और यहाँ पर एक्स माइनस ए बचेगा। ऐसे ये तीन आगे आ जाएगा, थ्री ए थ्री आ जाएगा और यहाँ पर एक्स माइनस ए की घात दो। इसी तरीके से अगले वाले सभी टर्मों में से एक घात कम होती चली जाएगी। अब सीधे सीधे यहाँ पर आ जाओ, इस ये एन आगे आ जाएगा, यानी कि एन आगे आ गया और यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस वन बचेगा। अब हम इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, ये तो कॉन्स्टेंट है, खत्म कहानी, ये कॉन्स्टेंट है तो इसका अवकलन करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो इसका अवकलन वन हो जाएगा तो यहाँ पर टू ए टू आ जाएगा। फिर प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन दूनी छह ए थ्री हो जाएगा, ठीक है, छह ए थ्री एक्स माइनस ए। इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा, इसका करेंगे हम तो अब ये आगे आ जाएगा एन एन माइनस वन आ जाएगा, ये ए एन और इसकी पावर में से हम एक घटा देंगे तो ये कितना एन माइनस दो हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका तीसरी बार जब अवकलन करेंगे, तीसरी बार हम इसका जब अवकलन करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, ये कॉन्स्टेंट है, इसका भी अवकलन करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो छह ए थ्री हो जाएगा, ऐसी सभी आने वाले टर्मों में से कम हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये एन एन माइनस वन, फिर ये एन माइनस टू हो जाएगा और साथ में यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस तीन बचेगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी इस टाइप का जब हम अवकलन करते हैं तो उसमें एन फैक्टोरियल आ जाता है, तो इसका मतलब जब हम इसका एन टाइम्स करेंगे, एन टाइम्स इसका अवकलन करेंगे तो ये सभी टर्म जीरो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कितना बचेगा, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ऐसे ही करते चले जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा लास्ट में, थ्री टू वन ये जरूर आएगा और यहाँ पर एक्स माइनस ए, ठीक है, सॉरी इतना ही आएगा, ए इतना, ठीक है, बस ये चीज आएगी ही नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, थ्री टू वन आ जाएगा, बात आ गई क्लियर। और यहाँ पर और साथ में देखिएगा एक चीज और है, यहाँ पर ये वाला ए एन तो चल ही रहा था, तो ये वही ए एन और लगाना है यहाँ पर, ए एन इसमें ये ए एन और आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये सब क्या है, ये सब है आपका किसकी वैल्यू है, ये एन फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ए एन आ जाएगा, ठीक है, ये चीज वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब ये कहेंगे सर ये थ्री टू वन कहां से आया, ये चीज कहां से आई, तो इससे पहले वाले मैकलॉरिन्स थ्योरम वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज समझाई है मैंने कि ये आता कैसे है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये पूरी खत्म कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से पुटिंग एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए पुट करेंगे इन एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स और सो वाई, इन सभी में हम क्या करेंगे एक्स बराबर ए पुट करेंगे। तो करिएगा, पहले हम एक्स की जगह पर ए रखेंगे फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में, यानी कि ये जो फंक्शन है आपका, ये एक्स की जगह पर जब मैं ए रखूंगा तो यहाँ पर देखिएगा ये है आपका एक्स माइनस ए है, जब x की जगह पर a रख जाएगा तो a माइनस ए करूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में करूंगा तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे टर्म आपके जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, सीधे सीधे यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ a जीरो बचेगा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया कि भैया a जीरो की जो वैल्यू है
वो एफ एक्स आ चुकी है, सॉरी एफ ए आ चुकी है, एफ ए आ चुकी है। अब दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स में ए पुट करूंगा, यानी कि एक बार जो अवकलन हुआ है, एक बार अवकलन कौन सा है देखिएगा, एक बार अवकलन किया था ये वाली लाइन का, ये देखिए ये एक बार अवकलन है। इसमें सभी जगह पर आप ये देखिएगा, जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर आप ए पुट करोगे तो ये ए माइनस ए हो जाएगा, ये टर्म पूरा जीरो, ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए वन बचेगा, कितना बचेगा ए वन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए वन, केवल ए वन लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको, ए वन की जो वैल्यू है वो एफ डैश ए आ चुकी है। इसी तरीके से आगे अब हम एफ डबल डैश में ए रखेंगे, एफ डबल डैश में ए रखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर एफ डबल डैश ये है, इसमें टू ए टू बचेगा, और ये टर्म देखिए यहाँ पर एक्स की जगह पर ए रखेंगे तो ये पूरा जीरो, ऐसे ही सभी टर्म जीरो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर टू ए टू बचेगा, केवल टू ए टू बचेगा। आगे हम ए टू की वैल्यू निकालेंगे तो ये दो नीचे पहुंच जाएगा इसके, तो एफ डबल डैश ए अपॉन दो, दो को हम क्या लिख सकते हैं ये देखिए, चलो कोई नहीं वो बाद में लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश ए की वैल्यू निकालेंगे तो एफ ट्रिपल डैश में देखिएगा यहाँ पर कितना बचेगा, केवल छ ए थ्री बचेगा, ऐसे ही यहाँ पर छ ए थ्री बचेगा, इसका हम ए थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन छ। ऐसे ही आगे देखेंगे हम, इसी तरीके से हम एफ एन ए निकालेंगे तो आपके पास में यहाँ पर ये देखिएगा ये कितना आया है, एफ एन ए की जो वैल्यू है वो अपने आप में एन फैक्टोरियल ए एन आई है, इसमें एफ ए है ही नहीं, तो एन फैक्टोरियल ये देखिएगा एन फैक्टोरियल ए एन, यहां से मैं ए एन की वैल्यू निकालूंगा तो एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल इतना आ जाएगा। अब हम ये जो वैल्यू है पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ ए सॉरी ये नहीं, ये वाली कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री डैश ए एन इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में हम पुट करेंगे तो इक्वेशन एक थी आपकी एफ एक्स बराबर ए जीरो फिर प्लस एक्स माइनस ए वन फिर प्लस ए वन ए टू एक्स माइनस ए का स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स माइनस ए की पावर तीन प्लस डैश, ऐसे ही ए एन एक्स माइनस ए की पावर एन, ये था। तो यहां पर हम ये भी ये वैल्यू पुट करेंगे, ए जीरो की वैल्यू कितनी आई है एफ ए, फिर प्लस ए वन की वैल्यू कितनी आई है एफ डैश ए, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इस तरीके से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लिख दो। फिर प्लस ए टू की वैल्यू कितनी आई थी, ए टू की वैल्यू देखिएगा ध्यान से, ए टू की वैल्यू आई है ये रही एफ डबल डैश बट्टे दो, एफ डबल डैश ए बट्टे दो, और यहां पर कितना बचेगा इनटू एक्स एक्स माइनस ए की पावर दो, फिर प्लस ए थ्री की वैल्यू कितनी आई थी एफ ट्रिपल डैश ए बट्टे छ इंटू एक्स माइनस ए की पावर तीन, फिर प्लस डैश प्लस ए एन की वैल्यू कितनी आई थी एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे हम एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो एफ ए ही रहेगा प्लस इस वाई चीज को आगे लिख दे रहा हूं मैं घुमा के, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस ए एफ डैश ए, फिर प्लस ये दो का मतलब क्या है दो फैक्टोरियल, तो ये एक्स माइनस ए की पावर दो तो ये आगे लिख दिया, और एफ डबल डैश ए
बट्टे दो फैक्टर, दो फैक्टोरियल की वैल्यू दो ही रहती है। फिर प्लस ऐसे ही इसको आगे लिख दूंगा तो ये एक्स माइनस ए की पावर तीन इंटू एफ ट्रिपल डैश ए बट्टे छह। छह का मतलब क्या है? छह का मतलब होता है तीन फैक्टर, तीन फैक्टोरियल की वैल्यू छह होती है। फिर प्लस डेटा डैश और ये आपका यहाँ पर है ही एफ एन ए बट्टे एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन, ये चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझको बताइए क्या यही मैकलोनिस थ्योरम है कि नहीं, क्या सॉरी यही टेलर थ्योरम है? बिल्कुल यही है टेलर थ्योरम, बस लो होगी टेलर थ्योरम, यही तो थी टेलर थ्योरम, हो गया ठीक है। अब इसमें देखिएगा यहां पर इसको थोड़ा सा पीछे वाले टर्म को थोड़ा सा अच्छा सा लिख दो, ये पहले कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिख देंगे एक्स माइनस ए की पावर एन बट्टे एन फैक्टोरियल और यहाँ पे लिख देंगे एफ एन ए। बस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय।